सत्संग जियो। लिखकर बत्ती जेठ छई सम्मत 11 कदों दी लिखते है बत्ती छई सम्मत 11 मनवाल कैम कितों दी लिखते है मनवाल जिला जम्मू जिला जम्मू रोलू राम दे ग्रह रोलू राम दे ग्रह दोपहर ती लिख तो ये लिखत भी धरनी दी आ इत्थे किहदे को मुखातब करवाया गया धरनी को धरती को जिदे उत्ते तुसी बैठे हो जिदे बारे किसी वेद शास्त्र ग्रंथ दे विच धरती दे लेख वास्ते किसी जितने 23 अवतार ने बल्कि 24 अवतार ने पर नेक लंक निरंकार तो बिना कोई लेख दे जिथों तक अवतार की लिखत सी खेल सी वो करनी और चुप दी सी जद नेक लंक निरंकार की खेल हुई वो जार जहूर प्रगट दी ते लेने देने देन वाली सी लेखे मकाउन वाली सी और वो लिखे मकाए परमेश्वर जद देखो जे तुसीं हजरत मुहम्मद साहब दी वो सारियां पशीन गोईयां पढ़ोगे पे अमामे मेहंदी किस तरह का होगा तो बड़ा स्पष्ट क्या कुछ ने पे ये जड़ी मिट्टी खा के बोलेगी ये धरनी बोलेगी धरनी कहे नारदा मैं खुशियां खुशी मनावांगी की कह रही धरनी कह नारद क्योंकि नारद का भी कोई माता पिता तो है नहीं निर्गुण शब्दी धार मैं खुशियां दे विचों ही खुशी जिहड़ी आ वो मनाऊंगी मैं प्रतीत करूंगी और की करूंगी गीत गोबिंद इको गावांगी किन्ने गीत गाऊंगी धरनी किन्ने गीत गाओ किहदा गीत गाओगी गोबिंद का कौन गोबिंद परमात्मा निर्गुण का निरंकार का धरनी कहे नारदा मैं खुशियां खुशी मनावांगी गीत गोबिंद इको गावांगी और उस जिस दा गीत गोबिंद दा गाया जाना उदा की आ जिस दा अमृत सागर सिंध मैं किदा गीत गाउणा जिदा अमृत किन्ना किदां दा जिदा सागर सिंध आ उसदा कोई पता विच जीव नूं नहीं लगदा रस पी अमृत दा रस पी तृप्त मटावांगी अपनी तृप्ति प्राप्ति करूंगी मैं अपने विचों खुशी प्रतीत करूंगी और मेरी कोई होर खास नहीं रह जाएगी तृप्त हो जाना खास मुड़के कोई ऐसी खास ना रह जानी रस पी तृप्त मटावांगी ज्योति ज्योत स्वरूप हर सारी खेल किस दी आ ज्योति ज्योत स्वरूप आप अपनी अपनी कृपा किसी को रहमत
देवन हारा साचा वर। वो की करदा परमेश्वर केड़ा वर देंदा सच्चा देवन हारा साचा वर सच दे मालक सीस नवावांगे। मैं किनू सीस नवाना हुण सच दे मालक किन्ने हुंदे आ सच दे मालक किन्ने हुंदे आ और इत्थे परमेश्वर दा कोई रूप रंग रेख जां कोई माता पिता दा नाम दिता नहीं गया। कोई माता पिता दा कोई नाम नहीं दिता गया। सच दा मालक सच दे मालक नूं मैं सीस नवावांगी। सच दा मालक दर्स दिखाएगा। सच दा मालक की करूगा सच दा मालक की करेगा दर्श दिखाएगा। जिहदा किसे ने दर्श कीता ही नहीं वह की करेगा अपना दर्श दिखाऊगा। फिर की होगा मेरे नाल मेरी जुग जुग हर्ष मटाएगा। मेरी कदों की हर्ष मटाऊगा जुग जुग की हर्ष वो परमेश्वर का दर्शन करने के नाल जुग जुग की हर्ष मेरी जड़ी तड़पन सी वो की हो जाएगी पूरी हो जाएगी। मेरी मटाएगा वो मिटूगा क्योंकि उन्हें दर्श देना ता जाके मेरी जड़ी आ वो तृप्ति होनी है। जिस दर्शन नू रही तरस जिस परमेश्वर दे दर्शन नू की कर रही हाँ मैं कौन तरस रही है जिस दर्शन नू रही तरस सो जिदे दर्शन नू तरस रही हाँ सो परमात्मा सो रहमत आप कमाएगा। सो परमात्मा रहमत आप करूगा आप रहमत कमाऊगा। किसी को मंगनी नहीं वो पता उन्हों फिर मैं की करना मैं तो सिर्फ यो काम करना। वो पछाण दिती है कि किदां दा वो अर्श दा मालक। वो कितों दा मालक अर्श दे विच किन्ने कोटन कोट चंद सितारे ब्रह्मांड जितने कोटन कोट ब्रह्मांड खंड ने जिहड़े नज़र आउंदे आ उत्ते तारे तुरे ये भी नहीं इस तों भी परे दी परे तुरे जाओ बहुत ही कुछ है। ये जिहड़ी लेयर आ खत्म ही नहीं हुंदी चंद सितारियां दी कोई इहदा अंत देख ही नहीं सकिया। हले टैलीस्कोप भी किड़ियां किड़ियां वड्डियां टैलीस्कोप बनाईयां ने लेकिन कोई भी इस दा अंत देख नहीं पाया। वो अर्श दा मालक आवे उत्ते फर्श फैसला हक सुनाएगा। जरा फैसला सुनाएगा कोई बंदियां नू नहीं सुना रहा कोई बंदे नहीं बोल रहे गल चल रही है धरनी दी ते नारद दी और नारद नू धरनी सुना रही है कि वो किदां दा होगा की करूगा। इहदे विच जिहड़े विद्वान ने जां अखरां नू पढ़ के कोई विचारधारा रखनी जां उस नू लै के पंजां तत्तां दे वल इशारे करने उहदे नाल इह गल सूत नहीं होनी को मसला ही नहीं क्योंकि आने वाले संसार के कोल समझ लो जे कली अखर बाणी है ताड़ी कोई बैठ जाओ तुसी कुछ बाहर दे व्यक्ति बैठ जाओ जिन्हां दे कोल उसका कोई स्वरूप नहीं है उन्हें कोई देखिया नहीं है जब खाली लिखत नूं पढ़नगे उन्होंने उस परमेश्वर का अक्स लेना जिस नूं किसी ने देखिया नहीं लेकिन वो की होगा वो अर्श का मालक धरनी की कहती आवे उत्ते फर्श फैसला हक सुनाएगा। वो अर्शा का मालक जो आ वो कित्थे आऊगा धरती ते आऊगा तो मुड़ के अपने हक का फैसला जो सही आ वो सुनाएगा। कौन सुनाएगा अर्शां दा मालक की सुनाऊगा अपना फैसला सुनाऊगा। फिर जदों आ जाऊगा मैं कदों दी विछड़ी हाँ जुगा जगह दी जिन्हें मैंने दर्श दिखाउणा मेरी मंजूर करे अर्ज
करनी की कह रही है, भी मेरी की करूँगा अर्ज, मेरी बेनती की करूँगा वो मंजूर करूँगा, मेरी मंजूर करे अर्ज आरजू आरजू तेरे चरण टकाएगा, तेरे चरण टकाएगा, तेरे उत्ते की रखूगा वो अपना चरण रखूगा। ओदा खेल तक्का अश्चर्ज, कौन कह रही है? ओदा खेल तक्का अश्चर्ज, वखरे सारे अवतारा पैगंबरा गुरुआं तो जेडे पिछे हो गए ने, ओदा खेल की होगा अश्चर्ज, लीला जो वरताएगा जेडी खेल करूगा, क्योंकि एहो जी खेल नित रोज लेने देने देन दी ते पिछले पूर्वले इतिहास नू लेके ते मौजूदा समय नू मुखातब करके ते आने वाले समय दा चौं जुगां दा वरतांत देन वाली गल ए इक परमेश्वर ही कर सकदा, कोई बुद्धि वेता व्यक्ति जां अवतार पैगंबर गुरु कर नहीं सी सकदा। फिर वो परमेश्वर किदां दा हो की आ, वो किस करके भी आवेगा, ये गल सारी धरनी कर रही आ। भगतां मिलन दी जिसनू गरज, वो परमात्मा नू किदी गरज है? कोई पैसे धेले दी गरज नहीं, जमीन जायदाद दी नहीं गी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਰਜ ਆ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰਜ ਆ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਜ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ 22 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਦ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੀਚੇ, ਮਤਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਪਕਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਨ ਅਗੀਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਕੜ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਖੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਾਲਾ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਜ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਫੇਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਫਰਜ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੀਨ ਗੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਫਰਜ਼। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਫਰਜ਼, ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਵੀ ਦਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ
करेगा, जो उन्हें अवतारा पैगंबरा गुरु साहबाना दे नाल की कीते ने वादे कीते ने करार कीते ने। फाजल होके वेख वखाई आ फिर धरनी की कहिंदी आ मेरी नमाणी दी वंडे दर्द, की कहिंदी धरनी मेरी नमाणी दी वंडे दर्द, मेरी नमाणी दी की वंडूगा दर्द, दुखियां दर्द गवाएगा, दुखियां दा दर्द की करूगा, क्योंकि धरनी ते आके जेड़े भगतां करके आना जेड़े दुखी ने उन्हां दा की करूगा दर्द गवाऊगा। हुण सब तो वड्डा दर्द जिदा कह दिंदे आ ना भी को माता दा कला पुत होवे मर जाए तो उन्हूं बड़ा दुख हुंदा, भी मेरा कला कला ही क्या, किसे दा बंदा मर जाए तो तां, किसे बंदे दी औरत मर जाए तां, जे उहदा कोई अपना बच्चा मर जाए तां, जां जमीन जायदाद चली जाए तां की हुंदा, ओ दुखी हुंदा ना। लेकिन भगत नूं इक्को ही दर्द हुंदा भगवान दे विछोड़े दा, भगत नूं केड़ा दर्द हुंदा जिहड़े पिछे जे, केड़ा दर्द हुंदा भगत नूं भगवान दे, और जिहनूं भगवान दे विछोड़े दा दर्द आ उह दुनिया दे विच परमात्मा दे विछड़न दा दर्द सब तों जिहड़ा ज्यादा गिणिया गया वा। दुखियां दर्द गवाएगा ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी वो सर्व आत्मा दा परमात्मा अपनी कृपा आप करेगा। देवन हारा साचा वर, वो केड़ा वर देवन वाला सच्चा, जिहड़ा सच्चा वर देवन वाला परमात्मा वा वो फिर करेगा की तरतीब दे सच दा मेल, केड़ा मेल करेगा भगतां दे नाल भगवान दा किहदा मेल हुंदा सच, सच दा मेल आप मलाएगा, सच दा मेल आप। तुसीं देखिया ना कि पिछले 46 सालां दे विच कई गुरसिख जिहड़े बड़े विद्वान और समझदार सीगे अपने आप नूं कहिंदे ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਆਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਨੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਨ ਵਜੂਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਲਟ ਲਿਖਾ ਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ? ਜੋਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਆਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜੋਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਨਾ ਜੋਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਵਯਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਧਾਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀਰਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਚੋਦ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ
कि ना प्राणी अपनी मर्जी नाल अपनी आत्मा नू परमात्मा दे नाल मिला सकदा, ना अपने विच पा सकदा, ते ना अपने आप कढ सकदा। मर्जी नाल ना पा सकदा, ना कढ सकदा, ना अपनी मर्जी दे नाल परमेश्वर नू मिल सकदा। कारण कोई चीज उपर नू सुटो, उपर नू तां नू सुटो कि ये समाना तक जाऊ नहीं जा रही। और यही कारण है कि जिहड़ी आत्मा ये परमात्मा दे जो ब्रह्मांड तो अर्शां तो परे रहिंदा ये आपे उधर नू जा नहीं सकदी। जद जिसने आत्मा तुहाडे विच रखी आ जद तक तुहानू ओ आप आके धरती दे उत्ते तुहाडे पंज तत्व वजूद दे विच रखी हुई आत्मा जिसनू तुसी भी देख नहीं सकदे जद तक वो अणदेखी आत्मा नू ओ आप आके अंदर नहीं मिलदा उन्ना चिर आत्मा आपे परमात्मा नू मिल नहीं सकदी। इसे कारण करके प्राणी नू जीव नू आत्मक जीव नू परमेश्वर दी की करनी पैंदी आ, भगती करनी पैंदी। क्यों भगती करदे ने कि मैं अंदरों ओहदे तक जाके इत्थों ओहदे तक जाके पहुँच लवां कि मैं अपने उस द्वारे दे विच जाके पहुँचा जिथे कोई क्रिया नहीं हुंदी, उत्थे एक शब्द दी एक जोत दी एक सुरत और शब्द दी और आत्मा दी गल जिहड़ी चलदी आ परमात्मा दी गल चलदी आ उत्थे पहुँच सकां। इन्हें पहुँचण वास्ते वेद पढ़दा, शास्त्र धर्म ग्रंथ पढ़दा, सवेरे उठ उठ के ठंडिया ततिया पानिया के नाल नहाउंदा, लेकिन उसके बावजूद भी उसनू प्राप्ति के बावजूद भी उसनू प्राप्ति नहीं होंदी। और सारे क्रिया करते तुसी किसी भगती वाले कर वो हर एक कहणगे कि उहदा कोई अंत नहीं, मैं कोशिश कर रहा और मेरी भगती हले पूरी नहीं। ईवन जिहड़े गुरु ज्ञान दिंदे ने पंज तत्व दे गुरुआं नू गद्दी ते पाया जांदा ना, तुसीं देखोगे कोई भी ने वो पंज तत्व दे व्यक्ति गवाही करदे आ उहनां नू गद्दी ते पाया जांदा, लेकिन जिहड़े बंदे उहनां नू रल मिल के सियाणा समझ के गद्दी ते बाउंदे ने वो उहनां नू सतगुरु बना नहीं सकदे। उहनां नू सतगुरु बना नहीं सकदे। सतगुरु जद बनता वो अपनी शब्दी तार दे नाल बनता, जद तक उस शब्द नू आप शरीर दे विच नहीं रखता प्रगट नहीं करता अखरां दे ज्ञान दे नाल सतगुरु बनिया, शब्दां दे ज्ञान दे नाल अखरां दे ज्ञान दे नाल सतगुरु बनिया नहीं जांदा। बाणियां पढ़ के बाणी दे ज्ञान दे नाल लैणा नू याद करना जां उस नू अगे पिछे बोलण दे नाल कदी सतगुरु नहीं बनदा। सतगुरु एक ऐसी तार आ जो शब्द का ज्ञान, शब्द का बोध, अखरां दी बनतर, अखरां का बोध वो अपने विच्चों आप कढ़दा, आप देंदा, शब्द उन्नू बखरी बाणी उन्नू पैदा नहीं कर सकती, बखरी बाणी उन्नू पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि जिहड़ी परा पसंती मदन बखरी दी चारे बाणियां तो जिहड़ी परे तो भी परे दी तार आ उन्नू कोई पंज तत्व व्यक्ति अखरां नूं पढ़ के कदी पैदा नहीं कर सकता। वो अंदरे अंदर तुहाडे ध्यान लाउण दे नाल, तुहाडे वियोग दे नाल, तुहाडे विछोड़े, तुहाडे विराग दे नाल पैदा हो सकता, मिल सकता, वरना उदा मिल नहीं सकता। ज्योति जोत सरूप हर आप अपनी कृपा कर, देवन हारा साचा वर, सच दा मेल आप वो आप मिलूगा, कदी आपे प्राणी उन्हों मिल नहीं सकता। फिर क्या नारद कहे वो आया गहर गंभीर, नारद की कहिंदा वो कौन आ गया कुड़ी, वो ज्यादा ज्ञान दे विच नींद तो नहीं आती, बहुतियां दे सिर थले नू होए, जदों सिर थले नू जांदा उदों की हुंदा हैं, नींद आउंदी आ कि सुख आसन हो जाए। मास्टर होनी कहते नमस्कार करते, कई बार नमस्कार करते करते जो सिर ही जमीन नू लग गया तो ज्यादा ही हो जाती जहां मुड़ के गिरधारे वागू डिग ही पैंदा गिरधारा एक दो वारी उत्ते दरबार दे उत्ते बैठिया बगद्वारे दे उत्ते गर्मियां दे दिनां च महाराज उत्ते बाणी दे अर्थ करदे हुंदे सी लैके चलदे हुंदे सी, तो बनी ते बैठा सी
ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੇ ਭਵਨ ਨਾਜਰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਤੇਰੀ ਚੂਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਨੋ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚਕਾਏ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਸੋ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਉਹ ਆਇਆ ਗਹਿਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਗਹਿਰਾ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋ ਨੇਕ ਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰੂਪ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਆ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਨੇਕ ਲੰਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਲੰਕ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇਕ ਲੰਕ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਲੰਕ ਤੋਂ ਜੀ ਸਿਆ ਕੋਟਣ ਕੋਟ ਨੇਕ ਲੰਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਲੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਦਾ ਆਹ ਸਰੀਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਉਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਮਾਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭਾਈਏ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਖੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਾ ਹੰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ ਨੇ ਉਸ ਜਦ ਵੇਰਵਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਨਾਰਦ ਕਹੇ ਉਹ ਆਇਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹਰੀ ਕੀ ਆ ਹਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀਰ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ
अमृत बख्शे सीर ओ हर वड्डा गैर गंभीर आया जिदी वड्डी वड्याई आओ तेनु अमृत ते सीर जिहड़ा जिदा माता अपने बच्चे नु अपना सीर देंदी तो तृप्त हो जांदा वो तेनु अपना की देगा मिट्टी खाक दी धरनी है तेनु की दऊगा अपना अमृत दऊगा सीर दऊगा रस रसना बार चखाई आ वो रस केड़ा चखाऊगा रसना तो जबान तो देखो आप सारा कोई मिठा खाने लून आला खाने दिल करदा ना करदा दिल कि नहीं करदा ते जदों वो जबान तो हलक दे विच गल दे थले चले जांदा चाहे वह कौड़ा होवे चाहे मिठा होवे चाहे लून आला होवे चाहे कोई स्वाद होर होवे उहदा मुड़के कोई स्वाद नहीं रह जांदा इसे तरह सज्जनो तुहाडी भगती तुहाडा मिलना तुहाडा परमात्मा दे नाल विछोड़ा तुहाडी मिलनी तुहाडा सुख तुहाडे साधन तुहाडे जींदियां दे नाल ही आ जिद्दन तुहाडी आत्मा तुहाडे हलक तों उतर गई ते मुड़ के तुहानू ना जीवन दा पता रहना ते ना मरन दा पता रहना ते ना बाकी किसी खुशी दा पता जिहड़े मर गए कोई आके तुहानू किसे ने दस्सिया हुण सानू इहो जिहा स्वाद आउंदा नहीं दस रहे ना ते जे ओह नहीं दस सके ते तुसीं आपां वी दस लांगे इको एक आनंद आ मैं और तू दा इको एक आनंद आ केड़ा मैं और तू दा जेड़ा तैनू अमृत बख्शे सीर रस रसना बार रखाई आ ओ रस कित्थे ज्यादा रसना तो भरता आत्मक तृप्ति दा केड़ी तृप्ति दा आत्मक तृप्ति दा उहदा हलक दे नाल कोई वास्ता नहीं है रसना बाहर चखाई आ फिर की करेगा नारद कहिंदा धरनी है तेरी बदल देवे तकदीर वो फिर तेरी की करूगा तेरी तकदीर बदल दूगा जेड़ी तेरी नसीब तू मंगती रही आ को आवे तो मैनू मिले वो 994 चौकड़ी तो बाद जुग चौकड़ी तो बाद जुगा जुगा तो बाद वो आके तेरी की बदलूगा तकदीर बदलूगा जेड़ी तू कहनी है कि मेरी किस्मत च लिखिया कि नहीं लिखिया तकदीर च लिखिया कि नहीं लिखिया वो तेरी तकदीर बदलेगा तदबीर अपनी नाल रखाई है तदबीर की होगा तू मिट्टी खाक दियाँ तेरी जीवा नहीं है ना वो तेरी तकदीर बदलने वास्ते तदबीर विधि वो अपनी आप नाल रखूगा अपनी विधि दे नाल तेनु आके मिलूंगा तू अगे आपे नहीं मिल सकी ते हुण भी तेरे को आपे मिलिया पहलो नहीं मिल सकी तो हुण भी तू मिल नहीं सकना तेरी बदल देवे तकदीर तदबीर अपनी नाल रखाई आ फिर जदों वो आया वो की करूगा लेखा मकाई की करूगा लेखा मकाई शाह कीर वड़िया वड़िया दा वी ते सारयां दा की मेटूगा लेखा खत्म करूगा पूर्वले जन्मां दा कुकर्मी आ व्यभिचारी आ भ्रिष्टाचारी आ कामी आ किड्डा गंदा वा वो सारयां दा लेख बाणी च पढ़ोगे हुण मैं संगत च सारी लिखत दा वेरवा नहीं दे सकदा उहने कहा कुड़िए तुसीं आ जाओ तो शायद कमी रह गई तो पूरी हो जाए ना आ जाओ वो लेखा मकाऊगा जेड़े तेरे उत्ते पैदा भी होंगे जेड़े धरती ते जीव पैदा हो धरती ते जीव जीव भी पैदा होए 84 लाख जूनी भी पैदा हुई ते ते भगत भी बने ने भगत भी आए ने तो भगवान किन्ना पिछे आया भगत पिछे जुग जन्म दी कीती भगती तुहाडे नूं जेड़ा तुसीं भगती करके भी उहनूं मिल नहीं सके तुहाडी खास सी कि उहनूं मिलना वो भगतां दी खास पूरी करन वास्ते धरती ते आया कौन आया कौन आ गया धरती ते जेड़ा
संबल दे विच ज्योति शब्द की धार प्रगट सीगा। अज वाली लिखत भी तुसीं रिकॉर्डिंग सुनी सी, वो पैदा उस दा कोई माता पिता परमेश्वर दा कोई माँ माई बाप नहीं है, लेकिन वो प्रगट आ। लेकिन संबल विच हुंदिया होया, प्रगट हुंदिया होया, बाणी दे विच इशारा ए आ कि वो चलदा फिरदा सी, वो चलदा फिरदा सी, भगतां दे ग्रहां दे विच जाके उसने भाग लगा। और इस आने वाली सृष्टि का तो वह परमेश्वर का जिन्हें जीवन मिलना वा, ये विधि और विधि सारी वो हथ ताड़ी कल्पना दे नाल, ताड़े चंगे माड़े रिमार्क्स दित्या, कोई उन्हें दर्जा दित्या पी आ शरीर अकाल पुरख सी, ने कलंक सी, तो आ शब्द सी, ये नाल कोई फर्क नहीं पैना। क्योंकि महाराज ने की कहा वा, ने कलंक निर्गुणिया, पंज तत्त शरीर नहीं, व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं है, उदी की है शक्ति है, उदी ताकत है नहीं कलंक, जिन्हों कोई कलंक नहीं। जे तत्त वाला नहीं कलंक है उत्ते दवा रखोगे चलदा ना, जे तत्त वाला परमेश्वर है तो दवा रखांगे वो मेरा सी तो मैं ओहदा सी तो वह ओहदा सीगा, उदे पुत पोतरियां दी जद चलू, उदे पुत भी होणगे, नौवां भी होणगियां, धी भी हो, जवाई भी हो। लेकिन परमेश्वर दा ना कोई पुत पोतरा पड़पोतरा हुंदा, ना कोई धी हुंदी ते ना जवाई हुंदा, ना वो किसे दा सौरा बनदा ते ना किसे दा जवाई बनदा। वो की करिंदा सदा एक दा एक, सब नू पैदा करन वाला, की रहिंदा एक दा सब नू पैदा करन वाला। वो तुहाडे आत्मा पिछे तुहाडे तत्तां दा भी लिखा लेना दिंदा, तुहाडे तत्तां नू भी वरदा, लेकिन जगत वाले तरीके दे नाल नहीं, आत्मा करके वो तुहाडे पंज तत्त वजूद दा भी मालक आ ते तुहाडी आत्मा दा भी मालक आ। वो किन्ने आ, वो किन्ने आ, एक। तेरी बदल देवे तकदीर तदबीर अपनी नाल रखाई आ, लेखा मकाए शाह कीर। किस तरीके ना किदा मकाऊगा लेखा, शाह कीर दा लेखा मकाऊ किस तरीके दे नाल, शैन शाह अपना हुक्म वरताईया। कौन हुक्म वरताऊ, अपने हुक्म ना वर्त करूगा, उन्हें फड़ के नहीं बदलनी तारी थी, शैन शाह अपना हुक्म वरताईया। हुक्म दे दिता गया, हुक्म की कीता गया है, दे दिता गया ना, हुक्म दे विच तब्दीली नहीं होनी, ये हुक्म दे उल्ट पुल्ट सोचने वालियां दी विचारा बदलन वालियां दी जां उहदी दर्जा देन वालियां दी वो हुण वस नहीं जाने, क्योंकि उन्हां नूं अपनी आत्मा दा फिक्र रहना कि सानू लेखे कौन लाऊ, उह संगतां दे विच खलो के फलाना लेखे लाऊ, इस तरह करूँ उस तरह करूँ, इन्हां गल्लां दे नाल कोई वास्ता नहीं रहना। जदों अपना बल खत्म हुंदा, जदों आप न्यासरा हुंदा तो मरण कंडे हुंदा, फिर वो परमात्मा दे अगे की जोड़दा, की जोड़दा, हाथ भी तानू करके जोड़दा जिथे कुछ नज़र नहीं, हवा च हाथ जोड़दा कि वो परमात्मा कित्थे आ, उपर आ, फिर उपर नू करके हाथ जोड़दा। ते जे पहले ही हाथ उपर नू करके जोड़ो जिहड़ा सर्वव्यापी आ, तो जे वो तुहानू आप लैन आवे फिर दोबारा हाथ जोड़न की जरूरत नहीं पैंदी, अपने पे बचाव वास्ते एक रहमत कर। जे मुड़के नज़र आवे तो वो शुक्रिया विच हाथ जोड़दे कि धन पा गया जे तू मैनू लैन आया, धन पा गया जे तू मैनू लैन आया। शहनशाह अपना हुक्म वरताई आ, जन भगतां दे के जावे तीर, जन भगतां नूं की दे के जाएगा, भी तुसीं मैनूं दित्ता ना बाणी च, जदों तुसीं पंजां जकारियां च आवाज़ मारोगे, जदों तुसीं मैनूं अपने हिरदे अंदर याद करोगे तो मैं तुहानूं सचखंड विच्चों चाई चाई भज्जा भज्जा मिलन आऊंगा। कौन मिलन आएगा तुहानूं, वो किन्ने आ, इक। इहने भी शब्द करदे वखरा आऊगा, पंज तत्त वाला ते अकाल पुरख पंज तत्त वाला वखरा होऊगा। क
क्योंकि सतगुरु शब्द का भी शरीर नहीं है, वह शरीर के अंदर रहिंदा। अकाल पुरख का भी कोई शरीर नहीं है, वो अंदर रहिंदा। वह शरीर पैदा हुंदा तो उस शरीर के अंदर अंदर अपना वास करता, शरीर के अंदर की करता अपना वास करता। जिहड़ा शरीर के अंदर वास करता वह शरीर के चलता भी आ, फिरता भी आ, हंडाउंदा भी आ, अकाल पुरख के शरीर होंदे आ। लेकिन वो सब कुछ हुंदिया होया उन्हां शरीरां नूं छड भी, वो अपने शरीर हुंदिया होया अपने शरीरां नूं की करदा छड, ते रह किन्ने जांदे फिर किन्ने रह जांदे आ, ना किसे दा माई ते ना किसे दा बाप, ना सहुरा ना परवैया, ना दादा ना परदादा, ना नगर दादा, किसे दा कुछ भी रह नहीं। वो की करदा, जन भगतां दे के जावे धीर, धीरज धीर दृढ़ाई, धीरज धीर नूं वो दृढ़ करके जाएगा, तस के जाएगा, पक्कियां करके जाएगा, इस तरह। और विश्वास होएगा उन्हां नूं कि साडा मालक साडू लैण वास्ते आएगा। फिर वो कौन होएगा, वो मालक नारद कहिंदा धरनी नूं किदां दा होऊगा, वो मालक पीरां दा पीर, वो मालक किदां दा होऊगा, पीरां दा पीर, पार ब्रह्म। वो मालक किन्ना कौन होऊगा, पीरां दा पीर, पार ब्रह्म। एक अखवाई आ, पार ब्रह्म किन्ने खवाउंदे आ, पार ब्रह्म किन्ने खवाउंदे आ, पार ब्रह्म एक अखवाई आ। और जेड़ा पार ब्रह्म एक अखवाउंदा, जेड़ा पीरां दा पीर होना, जिस दीन दुनी दी, जिस दीन दुनी दी बदल देनी जमीर, तकदीर नहीं जमीर, जद अंदरों जमीर बदल गई, जेड़े पहलों ये विचार रखते हैं कि फलाने गुरु नूं धारण करके, पंज तत्त गुरु नूं धारण करके मिल लो, जिदा हुण भी विचार चलती ही कि फलाना बाणी पढ़ू, फलाना बाणी बड़ी जानदा, फलाने नूं पुछो तुहानूं ज्ञान दो। और पंज तत्त दा वजूद बहि आ, तुसीं आ, कोई भी आ, किड्डा ज्ञान देण वाला बाणी पढ़ के, किन्ने बंदे जिन्हां दे उन्हां नूं विश्वास हुंदा उन्हां उत्ते उह दावा करदे आ, फलाने नूं बाणी पुछो उन्हूं पता। जिहड़ा व्यक्ति अपने जीउंदे जी अपने पंज तत्त शरीर दी डाइसैक्शन करके अंदरों अपनी आत्मा नूं खुद दिखा नहीं सकदा, जां जीउंदे जी दूसरे दी आत्मा नूं उह दिखा नहीं सकदा, उन्नी देर तक वो अखरां दा ज्ञानी आ, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ये ब्रह्म ज्ञानी दी गल आ, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी दा गल पार ब्रह्म दी आ, वो गल बड़ी हालांकि ब्रह्म ज्ञानी नूं सहि पातशाही बड़ी वड्याई दित्ती आ कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर आ, ठीक है ना। लेकिन लेकिन ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दे नाल मिल जाता, वो पार ब्रह्म की रचना नूं गलत नहीं समझता। देखो की कारण है, परमेश्वर ने तेई अवतारा की, तीन पैगंबर दस गुरु साहबान की खेल की, फिर अपनी तिना रूपा मुखातब किया, दो ज्यादा बाणी चाहते ने, एक थोड़ा घट वेरवा आता मख सिंह साहब महताब सिंह का, महाराज शेर सिंह का, महाराज का, ये सारे वेरवे आते ने। लेकिन जद सारे तिना शरीर खत्म होने तो बाद इन्हों का एक रूप करके वेखिए, तो वो परमात्मा दो आने नज़र, तीन आने के एक आऊगा, तो परमात्मा किन्ने दिते गए हर बाणी च, किन्ने रब दिते गए, और हर बाणी दे विच परमात्मा का यह नहीं लिखाया गया कि आ शरीर ने कलंक है, दोनों शरीरों ने कलंक लिखाया भी गया, मन्या भी गया, लेकिन मन्या भी नहीं गया
पंज तत्त नूं फिर जो निस्तो नबूद होण वाला खत्म होण वाला उहनूं उहदे उत्ते सवाल भी खड़ा कीता गया, उहदे सवाल भी खड़ा। लेकिन एक चीज उत्ते ही सवाल खड़ा नहीं हुंदा जिहदा कोई पंज तत्त वजूद नहीं है, वह वजूद नूं धारण करदा, जिहड़ा धारण करदा जिद्दां साडी असीं पंज तत्त शरीर करके अपनी आत्मा दा रूप आ, तो जद परमात्मा अपने शरीर धारण करता वो शरीर वो किहदा रूप ने, परमात्मा का रूप। लेकिन परमात्मा अपने शरीर नूं रखता चाहे नहीं रखता, यह मर्जी किहदी आ, मर्जी किहदी आ, वो दर्शन देंदा उहदे नाल चाहे नहीं देंदा। तुसीं उहनूं सद के बदो बदी किसी नूं दर्श नहीं करा सकते, ये जरूर करा सकते हैं। बार बार उन्हें तो विश्वास दवाओगे, बार बार गल करोगे, वो सुपन के अक्स पैदा होगा, लेकिन परमेश्वर पैदा नहीं, नहीं। परमेश्वर पैदा नहीं, नहीं। जब पैदा होंगे वो नूरी होंगे, निर्गुण होंगे, निर्गुण चो निर्गुण का रूप नज़र नहीं, कभी तत् वाला रूप नज़र नहीं। वो मालिक पीरां दा पीर पार ब्रह्म एक अखवाई आ, जिस दीन दुनी दी बदल देनी जमीर, उन्हें सारे दी अंदरों की बदल देनी आ, सारे प्राणियां दी जमीर बदल देनी, सारे मनणगे कि परमेश्वर सी, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, उन्हें की बदल देनी आ जमीर। कौन? सत सतवादी। किने बदलनी आ? सत सत सतवादी ना, ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर देवन हारा साचा वाला। जो कौन है? सर्व आत्मा दा परमात्मा जो अपनी कृपा आप करदा, तो वो केड़ा वर देंदा? सच्चा। देवन हारा साचा वर, नेक लंक नारायण, नेक लंक वो किया, नेक लंक किया निर्गुण धारिया शक्ति अकाल पुरख की, कोई व्यक्ति या पंज तत्त शरीर नहीं है। निकलते महाराज ने एक दफा नहीं अर्थ सुनोगे, बार बार घर घर भी होंगे रहे, लेकिन वो दो तीन दफा के जेडे अर्थ ने महाराज के कीतिया हुई टेपा ने वो ताडे को सबूत के तौर पर मौजूद ने, लेकिन उन्होंने गलों तुम सुन तैयार नहीं। वो तो हर सिख न जिदा सारे तुम बच्चे की बुढ़े की सारे बीबिया भी हुण तो कलियां कलियां बीबिया को फोन हैगे आ ना, हैगे आ, और तुहानू जकारे दे अर्थ और ज्योति ज्योत स्वरूप आर आप अपनी कृपा कर नेक लंक नारायण नर दे जिहड़े अर्थ महाराज दे कीते होए आ उह लैणे चाहीदे आ, उहनां नू समझणा चाहीदा, उही सही अर्थ आ, उही सही उहदा विस्थार आ। कोई पंज तत्त दा व्यक्ति उल्ट पुल्ट बोल के उहनां अर्थां नू तब्दील नहीं कर सकदा, उहनू तब्दील नहीं कर सकदा, क्योंकि हकीकत दे विच उही कुछ होना आने वाले समय दे विच। ओ की है? देवन हारा साचा वार, नेक लंक, ओ की है? नेक लंक, उन्हूं कोई कलंक नहीं है, निर्गुण तार है, पंज तत्त शरीर नहीं, मरदा जमदा नहीं, उन्हूं कोई कलंक नहीं, और ओ की है? नारायण नर, सदा रहने वाली तार है, वो नर है, कदी परमात्मा मदीन, परमात्मा मदीन किसी के हुक्म दे विच, किसी के हुक्म दे विच कौन है? महाराज शेर सिंह विष्णु, महाराज सारे राजयां दा, शेर सिंह भै देण वाली समर्थ ताकत, विष्णु सब तो वड्डा सब दा प्रित पालक स्वयं परमेश्वर, और भगवान वही परमात्मा तेरे उत्ते सच धर्म दी सच करे तमीर, धरनिया तेरे उत्ते सच धर्म दी सत जड़ी आ वो की करूगा? तमीर करूगा, वो बनतर बनाऊगा सारी भी किदा करनिया, ये परमेश्वर ने करनिया, जो ताडे मेरे अर्गे बाणिया सुन वाले तो बाणिया पढ़ने वाले इन्हों को सारी सृष्टि नू ये तमीर कीती नहीं जानी, बनतर नहीं बनाई जानी। सत सतवादी ब्रह्मवादी किया, सत सतवादी ब्रह्म ब्रह्मादी ब्रह्म दे नाल समाउण वाला, ब्रह्म ब्रह्म दे विच ब्रह्म धार दे विच ब्रह्माद होण वाला विस्माद होण वाला वो परमात्मा की कर रहा?
अपना हुक्म आप वरता। वो अपना हुक्म की कर रहा, वो बेनती नहीं कर रहा, वो की वरता रहा, वो बेनती नहीं कर रहा, की वरता रहा, अपना हुक्म आप वरताइया। वो किन्ने आ? एक का ही वेरवा दिता, दो दा वेरवा ही नहीं आता। दो दी खेल आउंदी आ, वे मैं खेल खेली आ, कंजा परमेश्वर है बाणी च पढ़ोगे, कहिंदा मैं खेल खेली। खेलन वाले किन्ने आ? ते जिन्हां दे नाल खेल खेली जा सकदी आ, वो परमेश्वर ने कहा कि मेरे कोटन कोट रूप ने, अनूप रूप है, जिदा कोई अंत नहीं। जिन्हें मर्जी रूप धार कर उन्हों आप डक सकते, कोई नहीं डक सकते। जब जिस परमेश्वर ने धरती बनाई आ, जीव बनाए ने, जिदी खेल आ, जे आप खेल के रुकावट नहीं बन सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप जगत का ज्ञान, जगत की लहर बंदियां नू बंदे पिछे लाउंदे आ, लहर चल दियाँ कोई 200 साल, कोई 500, कोई 1000, कोई 10000 साल धर्म चलता शरा वाला, लेकिन उस तो बाद फिर की हो जाता, फिर की हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन लाशरा परमात्मा कभी खत्म नहीं, लाशरा परमात्मा कभी खत्म नहीं। उसने सारी सृष्टि नू, तानू जन भगतां नू इक्को ही गल दसी आ, सौखी अपने मिलन दी, जिन्हां नू कोई भाषा होवे, कोई भी दुनिया की बोली होवे, उहदे विच हर एक दे विच तू ही है ते मैं भी है, ते वो अपनी भाषा दे विच परमात्मा नू किस तरह याद कर सकदा? तू मेरा ते मैं तेरा। किस तरह याद कर सकदा? तू मेरा मैं तेरा। मैं तेरा। सो हर संगत जी जेड़ा जकारा नहीं बोल सकता, जेड़ा को भाषा नहीं जानता, जिन्हों कई सो हंग नहीं बोल सकते, वो भी जे तू मेरा मैं तेरा अपनी भाषा दे विच कहणगे, उन्हां नू परमेश्वर आके जरूर मिलेगा। क्योंकि दावा किहदे उत्ते होना? किसी गुरु ते, किसी विचोले ते, किसी अवतार ते, जां देह वाले सतगुरु ते विश्वास नहीं होना। विश्वास किहदे ते होना? जिहड़ा देह वाले गुरुआं नू, इंसानां नू, चेलियां नू भी ते गुरुआं नू भी बनाउण वाला, जद गल उहदी चली, उह तुहाडा होना ते तुसीं, उह तुहाडा होऊगा ते तुसीं किहदे होवोगे? उस दे होवोगे। जद तुसीं उस दे होवोगे तो तुहाडा होऊगा, फिर किसी दूसरे नू याद करन दी जरूरत नहीं पैणी। उह इक आ ते तुसीं इक जे, इक ने इक दा मेल होना, इक दा किहदे नाल मेल होना? इक दा किहदे नाल मेल होना? जद इक दा इक मेल ना होना, ते इक इक नू याद करदा, इक इक नू आप आप देंदा, इक अपना आप किन्नियां नू दित्ता जा सकदा? इक इक नू ही अपना आप देंदा। सो उह किन्ने आ? इक आ। तू मेरा ते मैं तेरा, तू मेरा ते मैं तेरा। सो चलिए, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। सो संघ जियो।